सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज हमने नवान कोटि चंडी महायज्ञ में 1 करोड़ आहुति के अंतर्गत 86 लाख आहुति संपन्न की। अब 14 लाख आहुति बाकी रही है। हम प्रयत्न करेंगे कि कल शुक्रवार, परसों शनिवार और अंत में रविवार को पूर्ण हो जाए। हमारे सनातन धर्म में यज्ञ का बहुत महत्व बताया है। यज्ञ के द्वारा व्यक्ति अनेकों प्रकार की क्षमताओं को प्राप्त करता है। धन, यश, स्वास्थ्य, संतति, सत्ता, शत्रुओं से रक्षा इत्यादि अनेकों प्रकार की कामनाओं की और आवश्यकताओं की पूर्ति यज्ञ के द्वारा होती है। किंतु साथ में ये भी है कि उतावले आंबा पाके नहीं। कि कोई व्यक्ति सोचे कि गुरु जी कहते हैं कि यज्ञ से सब मिलता है, तो दो चार दिन बैठ कर घर पर यज्ञ कर ले और फिर कहे कि गुरु जी आपने तो कहा था किंतु मुझे तो झंड मिला नहीं। तो भगवान उपाय जरूर करते हैं किंतु उचित समय पर। जब भिंडी के बीज बोते हैं तो भी 2.5-3 महीने 2 महीने में फल लगते हैं। आम की बुके बोते हैं तो 2 साल भी लगते हैं और 10 साल भी लगते हैं। मनुस्मृति में मनोजी ने समझाया कि धर्म के 10 लक्षण, इसमें प्रथम कहा धैर्य रखना। एक बार एक भगवान का भक्त और सरल व्यक्ति, सेवाभावी व्यक्ति, वो कुछ छुट्टियों के दिन में एक बोट लेकर, नाव लेकर समुद्र में घूमने के लिए निकला। उसको अकेले समुद्र में बोट लेकर घूमने का शौक था। छुट्टियों के दिन थे, उसको कामकाज में ऐसी अनुकूलता थी कि कुछ दिन के लिए वो प्रवास कर सके। तो बोट लेकर खुद ही बोट चलाता हुआ समुद्र में दूर दूर तक गया। वो उस वक्त आकस्मिक तेज पवन की वजह से बोट, नाव की दिशा, जिस दिशा में जाना था वो ठीक निर्धारित नहीं कर पा रहा था और दिशा चूक गया। वो भवन में जैसे तैसे वो नाव को संभालता हुआ आगे दिखाई पड़ने वाले दूर एक जो बोट टापू दिखाई पड़ता था वहां पर बोट को ले गया, नाव को ले गया। उस टापू पर उतरा, उसने देखा कि टापू पर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। छोटा सा टापू था पर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं था। थोड़ा भयभीत भी था और परेशान भी था कि भगवान, मैंने इतना जीवन में भक्ति भाव से भरा जीवन व्यतीत किया, इतने परमार्थ के काम किए, इतने सेवा के काम किए, पर आज मेरी जिंदगी ऐसे संकट में फंस गई। मैं समुद्र में एक ऐसे टापू पर हूं जहां पर कोई व्यक्ति भी नहीं है और वो बहुत परेशान था। वो वहां कहीं कहीं जगह पर सो गया। सुबह में उठा तो उसको थोड़ा सा शरीर में हल्कापन महसूस हुआ क्योंकि रात्रि का थोड़ा आराम भी हुआ था। अब उसने सोचा कि अब क्या करें, यहाँ से जाने का तो रास्ता बहुत दूर है और नाव भी पवन उसमें रात्रि को तूफान में चली गई थी। तो उसने कुछ लकड़ियां काटी और सोचा कब तो यहाँ ही रहना पड़ेगा, जब तक कोई विकल्प नहीं है, नाव भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है। तो कुछ लकड़ियां काटी और एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। 4 कोने पे 4 लकड़ियां लगा दी, कुछ घास फूस लगाया और ऊपर कुछ घास फूस से ढक दिया। अब दिन भर अकेला था, खाने का भी कुछ था नहीं, रात्रि को भी भूखा सोया था किंतु रात्रि तो निकल गई थी। दिन को उसको भूख भी बढ़ने लगी और ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था कि जिससे वो पेट भर सके। परेशान व्यथित वो कभी अपने भाग्य को पूछता था, क्या सोचते ना दुर्भाग्य के कारण ये दुखी था। तो कभी सोचता था कि मैंने इतना भक्ति किया जीवन में, इतने परमार्थ के काम किए, फिर भी मुझे ऐसी दिक्कत आ गई। कभी सोचता था कि मेरे यहां ही मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसे
बड़ा दुखी परेशान और कभी कभार रोने लगता था। ऐसे करते करते शाम तक उसने झोपड़ी बनाई और भूखा ही वहां पर झोपड़ी में रात्रि को वो सो गया। उसको लगा कि मैंने भले जिंदगी में इतने सारे धर्म के काम किए, भक्ति भाव किया, किंतु सब मेरा व्यर्थ चला गया। जब मुझे संकट था तो भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की, मेरे किए हुए सत्कर्मों मुझे कुछ काम नहीं आए। आज मैं यहाँ भूखा हुआ जंगल में झोपड़ी यहाँ टापू पर झोपड़ी में हूँ और अब तो कोई दिशा भी नहीं दिखाई पड़ती है, पता भी नहीं चलता है कौन सी ओर जाना, और जाने के लिए नाव भी नहीं है। और हो सकता है धीरे धीरे दिन बीते बीते मेरा यहाँ ही मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे सोचता हुआ रोता हुआ आके सूझी थी और नींद आ गई। इस वक्त उसको कड़ाके की आवाज सुनाई पड़ी आकाश में और बिजली पहुंचने लगी। बिजली ने चमका रहा था हमारा, तो वो बिजली के चमका रहे देखकर वो झोपड़ी में से बाहर आया। इतने में बिजली गिरी और उसकी झोपड़ी पर गिरी और झोपड़ी में आग लग गई। वो फपक कर रोने लगा, धुसके लड़वा मारे कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं, मैंने जीवन में इतनी भक्ति की कुछ भी नहीं। और रोने लगा और उसको लगा कि अब भगवान पर विश्वास करने जैसा ही नहीं है, ईश्वर पर विश्वास करके क्या करें, क्या मिला मुझे, मैंने इतना सब कुछ किया जीवन में, इतना भक्ति भाव किया, इतने व्रत किए, तप किए, जप किए, सेवा की, परमार्थ किए, दान किए, पुण्य किए, और मुझे आखिर क्या मिला। और जब हमारे मन में ऐसे विचार आए तो हमें प्रहलाद को याद करना चाहिए। किसको याद करना, प्रहलाद को। एक बार प्रहलाद के पास भगवान प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं कि तू मेरे से कुछ वरदान मांग, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू मेरे से कुछ वरदान मांग। तो प्रहलाद कहता है यस्त आशीष आशास्ते न भक्त सवे वणिक, ऐसे वो संस्कृत में कहते हैं, जो अपनी भक्ति के बदले में कुछ मांगता है वो भक्त नहीं किंतु व्यापारी है। कि जब हमें ऐसा करने लगे तो मैंने भगवान इतना किया था और आपने मेरा कुछ भी नहीं किया, तुम पक्का मानना को भक्त तो नहीं है, क्योंकि भक्त होते तो ऐसा विचार ही नहीं आता। बदले का भाव कब आएगा, व्यापार बुद्धि में आएगा। कि जब समाज में होता है कि किसी के यहाँ बेटे की शादी है और आपने कुछ दिया, और आपके यहाँ बेटे की शादी है और उसने कम दिया, तो फिर गिनती करेंगे, डायरी निकालो क्या दिया था, उन्होंने कितना दिया, तो हमने इतना दिया था, उन्होंने कम दिया। ये होता है कि व्यापार भाव होता है कि हमने ये किया तो हम सामने ये होना चाहिए। ये व्यक्ति खेत में काम करने के लिए आता है, शाम को सोचता है मुझे इतना रुपया मिले। एक बाजार में जाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, बदले में सोचते हैं बदले में चीज मिले। तो भक्त तो वो है कि जो भगवान की भक्ति तो करता है किंतु आखिर में उसको कुछ अपेक्षा भी नहीं होती है। फिर भी भगवान ने कहा है कि मेरे चार प्रकार के भक्त, आर्त अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त यानी अपने दुखों से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मैं संसार में बहुत दुखी हूँ, मेरा ये दुख है वो दुख है, आप कुछ दूर करो, उसको भी भक्त कहा गया। अर्थाती यानी कि जो धन प्राप्ति के लिए जमीन मकान व्यवस्था इत्यादि प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, उसको भी भक्त कहा गया। जिज्ञासु जिसको जानने की इच्छा है कि मैं इसी संसार के संसार में इसी परिवार में क्यों जन्मा, यदि शादी हुई तो इस स्त्री से या इस पुरुष से ही क्यों हुई, यही बच्चे बनकर क्यों आए, और मेरे स्थिति ऐसी क्यों, मेरे से संसार में धनवान भी बहुत लोग है, ज्ञानवान भी बहुत लोग है, पवित्र भी बहुत लोग है, दुष्ट भी बहुत लोग है, तो फिर मेरा ऐसा ही स्थिति क्यों, और इस संसार से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। वह जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा वाला जो भगवान ने कहा वो भक्त है। और जो ज्ञानी है, जो इस द्वंद्व से बाहर निकला हुआ है, वह मेरा आत्मा जैसा है। तो वह जो टापू पर अटका हुआ था, झोपड़ी में आग लग गई, रात्रि का वक्त था और अगले दिन रात्रि को नहीं खाया था, पूरे दिन को नहीं गाया था, भूखा था, वो परेशान था, उसको मन में ऐसे लगने लगा कि भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं, हमने इतने वक्त किया जो भी कुछ सब बेकार गया। भगवान के प्रति वो निराशावादी बन गया और उसके मन में वो भाव प्रबल होने लगा। थोड़ा वक्त बीता और समुद्र के किनारे एक बोट आकर खड़ी गई। बोट में से दो लोग उतरे, दो लोग उतर कर जहां आग लगी थी वहां आए, पर उसको जो वहां बैठा बैठा परेशान सा व्यथित था, उसे कहा भाई आपने अच्छा किया कि आग लगाई, तो हम लोग नाव लेकर जा रहे थे, दूर से हमने देखा कि वहां पर किसी ने आग लगाई हुई और व्यक्ति फंसा बैठा हुआ है अकेला, इसलिए हम आपको लेने के लिए आए।
तो हम तो सरकार के लोग हैं तो पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग करे तो पुलिस पेट्रोलिंग करती है, तो समुद्रों पर पेट्रोलिंग करता हूँ। तो हम तो रात्रि को यहाँ पर निकले हुए थे हम दो लोग समुद्र में, किंतु दूर से देखा कि इस टापू पर तो कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है, और वहां पर इतने में हमने देखा आग लग गई, पर आग में हमने देखा आपको घूमते फिरते देखा आसपास में, तो हम समझ गए कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और उसने अपने आप को बचाने के लिए और हमें दिखाने के लिए आग लगा दी, जिसे हम दूर से देख पाए कि मैं हूँ। आप आवाज तो पहुंच नहीं पाती क्योंकि बहुत दूर थे हम लोग, किंतु आग की वजह से हमें हमने आपको देखा और इसीलिए आपको लेने के लिए आए। तब उसका मन और तुरंत बदल गया, अब उसको लगा ईश्वर है, मेरे सत्कर्म सब आ गया के भगवान ने मेरी रक्षा कर ली, क्योंकि तब उसको लगा कि यदि मैं झोपड़ी बनाता नहीं, बिजली गिरती नहीं और आग लगती नहीं तो मैं यहां पर ही फंसा रहता। इसीलिए हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर जरूर हमारे कर्मों का अच्छा फल देता है, किंतु समय हम निर्धारित करने का प्रयत्न करते हैं। इसकी जगह हम ऐसे रखे कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भगवान मेरे सत्कर्म का फल मुझे अच्छा ही मिलेगा ऐसा मुझे भरोसा है, और मैं आप पर भरोसा रखकर ही तो मैं मेरी जिंदगी की नाव आपके भरोसे पर आगे बढ़ा रही हूँ। तो हम प्रयत्न करें कि जीवन में धर्म कर्म करते रहे, परमार्थी कर्म करते रहे, भक्तिभाव से जीवन जिए, जरूर अच्छा होता है और जरूर अच्छा ही होगा। आज के यज्ञ कर्म को संपन्न करने में जिन जिन आत्मीय जनों ने दक्षिणा के दान सहयोग द्वारा हमें यज्ञ करने का मौका दिया, उनका और उनके परिवार के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने यहाँ उपस्थित रहकर यज्ञ में आहुति देकर सेवा सहयोग किया, उनका और उनके परिवार के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस यज्ञ कर्म को सफल करने में योगदान दिया, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनका और उनके परिवार का भी कल्याण हो एवं समस्त जीव सृष्टि का कल्याण हो, सभी लोग धर्म के पथ पर चले, कल्याण के पथ पर चले एवं भगवान से प्रार्थना आप सबको ऐसी अनुकूलता प्रदान करे जिससे आप उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपना कल्याण करो, आपके परिवार का कल्याण हो एवं सर्व कल्याण में सहयोगी बनो, सहभागी बनो। ओ सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल।